अगर आप में हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की शहर है, पर दिल्ली में ये रहने वाले कुछ लोग ये भी कहते हैं दिल्ली दिल वालों का नहीं, दिल्ली दिल दिलाने वाला शहर है। अगर आप में हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए। पैरानॉर्मल रिसर्च या कह लीजिए भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च दुनिया के काफ़ी देश कई सालों से कर रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान में भी एक ऐसी टीम है जो पिछले 8 सालों से भूत प्रेतों पर रिसर्च कर रही है। हेलो, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी केस मैनेजर बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जी, मेरा नाम रंजीता नविस है, मैं एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और IPS की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको डर भगाना है तो डर के पीछे भागो। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी घबराइए मत, हमारी टीम आपके पास जल्द से जल्द पहुँचेगी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रेवरेंड गौरव तिवारी है, मैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का CEO एंड फाउंडर हूँ। गौरव, वी गॉट अ केस। वाओ, कैसा केस? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ अ कमर्शियल बिल्डिंग, बट मैं इस केस में आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। रंजीता, प्लीज डू मी अ फेवर, आप इन दोनों को लोकेशन पे ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, मैं और राज पीछे से आते हैं क्योंकि आई गॉट मिस्ड अप इन दिस कार। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस। मेरे काफी कोशिशों के बाद हिंदुस्तान में भूत प्रेतों के अस्तित्व को आज तक एक मजाक माना जाता है। कई लोग इन चीज़ों से बहुत डरते भी और कई लोग नहीं मानते, लेकिन असलियत क्या है, मैं शो के जरिए दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन क्या हमें उनसे डरने की ज़रूरत है? क्या हमें उनके बारे में और नहीं समझना चाहिए? यही सब जानने के लिए मैं VIP न्यूज़ के साथ निकल पड़ा हूँ हिंदुस्तान का भ्रमण करने और ऐसी जगह का तलाश करने जहाँ पे वाकई में कोई भूत प्रेत की एक्टिविटी है। मैं इस बार इस पर्टिकुलर केस के लिए नहीं जा पा रही बिकॉज मुझे डिफरेंट केसेस के डिटेल्स भी हैंडल करने हैं। मैं अपनी टीम भेज रही हूँ कमर्शियल एस्टेट बिल्डिंग इन्वेस्टिगेशन केस पे, और मुझे पूरा यकीन है इस बार वो लोग बहुत सारे कंपेलिंग एविडेंसेस के साथ आएंगे। रंजीता नवीस हमारी केस मैनेजर जब इस केस को लेकर मेरे पास पहुंची, तो इस केस को सुनकर ऐसा लगा कि इस केस में कोई जान नहीं। किसी कमर्शियल बिल्डिंग में पिछले 15 साल से भूत प्रेत की हरकत हो रही है, और फिर भी वो बिल्डिंग अभी तक भरी हुई है और काफ़ी लोग वहां पे अपने ऑफिस जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के विटनेस करने के बाद उस बिल्डिंग के ओनर हमारे पास आए, रंजीता से बात की और बताया कि वहाँ पर भूत प्रेत की साइटिंग्स भी है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की ग्रिप टीम अब इस कोशिश में थी कि वहाँ पहुँचकर ये पता किया जाए कि क्या वाकई में वहाँ पे भूत प्रेत या आत्माएं हैं।
Calling all team, calling all team. Please come to this command center. तो राज, आज के इन्वेस्टिगेशन में कुछ नए गैजेट्स दिख रहे हैं मुझे आपकी तरफ से. हाँ, नए गैजेट्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि एक फ्रेम पॉट. माना जाता है कि किसी भी तरह का ईएमएफ किसी भी डायरेक्शन से आते ही ये शो करना शुरू कर देता है. इसमें कई तरह की लाइट, हर कलर की लाइट जलने लगती है और एक बीप भी आता है इससे. बिल्कुल, मैं जहाँ तक जानता हूँ रेम पॉट का, ये अपने चारों तरफ एक ईएमएफ और स्टैटिक फोर्स क्रिएट करता है. कहीं बाहर की ईएमएफ इसे टच करे तो ये इंडिकेट करता है. साइंस कहती है कि किसी भी वस्तु में अगर ऊर्जा का प्रवाह तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है. यानी किसी भी चीज़ में जिसमें एनर्जी फ्लो हो रही हो या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. हमारा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि कहा जाता है कि आत्माएं एक एनर्जी का रूप होती है, एक ऊर्जा का रूप, और वो जब भी मूव करती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन होता है. वो फ्लक्चुएशन हमारे इक्विपमेंट्स मेजर करते हैं. बहुत बढ़िया डिवाइस है स्पिरिट कम्युनिकेशन के लिए. सबसे एडवांस डिवाइस है ये. हमारे पास एक ट्रेल कैमरा है. अरे वाह, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ट्रेल कैमरा की. हाँ. क्योंकि बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कोई ऐसा कैमरा जो किसी मोशन को सेंस करके उसे कैप्चर कर सके तुरंत. बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात है कि 940 नैनोमीटर का इसके ऊपर आयर बैंड है जो बहुत ही सेंसिटिव होता है. वेरी गुड, मोशन सेंसर लाइट. जैसा कि पहले भी कई बार ये में इसने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इस गैजेट के. ये भी ईएमएफ मीटर है ना लॉक, ये भी बहुत ही डिटेक्टर. वेरी गुड. जैसा कहा गया है यहाँ पे जो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे मोशंस काफ़ी हैं, तो हमारे पास काफ़ी सारे मोशन सेंसर्स हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिवाइस हैं. तो हम कोई भी मोशन कैप्चर कर सकते हैं. बिल्कुल, और हम काफ़ी टाइप के कैमरे भी यूज़ कर रहे हैं जो हमारे सीसीटीवी में इंस्टॉल हो रहे हैं. हम ज़्यादा रिलाय तो आज करेंगे इस पे अपने सीसीटीवी सेटअप पे. बिल्कुल, ऐसा देखा गया है पैरानॉर्मल रिसर्च में कि आत्माएं अपने आप को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में शो करती हैं, दिखाती है, जो कि नंगी आंखों से पॉसिबल नहीं है देखना. इसलिए हम पैरानॉर्मल रिसर्च के टाइम पर, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर इंफ्रारेड कैमरा को यूज़ करते हैं. जो हॉटस्पॉट्स है वहाँ पे सीसीटीवी लगाकर हम अपने अपने विजिल पे निकलते हैं. और लेट्स स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन. हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए. अगर आप में हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए. हेलो गाइस, ऑल सेट? सब कुछ सेट हो चुका है आज की रात के लिए. हमारे इक्विपमेंट सारे सेट हो चुके हैं, कैमरे लग चुके हैं सीसीटीवी. पहला कैमरा पॉइंटिंग टुवर्ड्स बेसमेंट. ये वही एरिया है, ये हॉटस्पॉट एरिया जैसा इन्होंने बताया यहाँ पे. हाँ, हमने उसी डायरेक्शन में कंसंट्रेट किया है सारे कैमरास को, अलग अलग एंगल में. ठीक है, ये हॉटस्पॉट हुआ. तो All set guys, ready for the investigation. All right, lights off.
पे इको बॉक्स यूज़ करना चाहता हूँ। एक बार रिमपॉट भी एक्टिवेट, रिमपॉट भी एक्टिवेट, वो तो हमने सीसीटीवी में देखा था लास्ट टाइम। हम क्यों ना अपने नए वाले इक्विपमेंट से जो डॉल लाए हम स्टैटिक प्रोजेक्टर्स वो यहाँ पे लगा के देखते हैं। या एक बार उसको भी बिल्कुल मैं तक यहाँ पे कम्युनिकेट करता हूँ, आप अगर वो डॉल लेके आ जाइए। आप इनमें से किसी भी मशीन को छू सकते हैं, अगर आप इन मशीनों को टच करेंगे तो इनमें कोई हरकत होगी, कोई बत्ती जलेगी, कोई लाइट जलेगी। क्या आप हमारे लिए कोई भी लाइट जला सकते हैं? Look at that. Light off. क्या एक बार और? क्या एक बार और उस बत्ती को बंद करके आप फिर से जला सकते हैं? क्या एक बार और? सेंटर में एक हरी बत्ती जल रही है, क्या आप इस बत्ती के पास आके इसे और बढ़ा सकते हैं? हम आपके लिए एक खिलौना लेके आए और इस खिलौने के ऊपर अगर आप हाथ लगाएंगे तो देखिए कितने अच्छे से हंसता है। आप जब भी इसके ऊपर हाथ लगाएंगे ऊपर से ये खिलौना इस तरह से हंसेगा। मैं ये खिलौना उधर लगाने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप इसे टच करके आप इसके साथ खेल के हमें बताएं। मोशन सेंसर ऑन हो गया, लाइट ऑन हो गया, आप अभी सामने हैं। मोशन सेंसर पहले ऑन हुआ फिर आपने गुड़िया की आवाज़ दी। आवाज नहीं, तुमने देखा? छुपके देखते हैं ना, छुपके देखते हैं ना। हाँ उस वे में ऐसे किया है ऐसे। हाँ बस मैंने सोचा आपने वो देखा इसलिए आया भाग के। इसीलिए मैंने कैमरा घुमाया यहाँ पे, मुझे डाउट है पूरा यहाँ का। देख कर आइए गलत। क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? अगर आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं
तो मेरे तीन गिनने पे अब फिर से उस गुड़िया के साथ खेलिए। एक, दो, तीन करके बताइए। या आप हमारे साथ खेलना चाहते हैं, कोई भी हरकत करके बताइए, या तो हमारी लाइट में, मोशन सेंसर में, या फिर इस गुड़िया पे। तो आप उस बत्ती से भी खेल रहे हैं। अकेले भेजते हैं, पहले रजनीश अकेले यहाँ पे देख ले, फिर मैं फिर अकेला, क्योंकि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है। और इनफैक्ट आपके साथ भी अकेले बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है। थैंक यू सर। आत्माएं अपने आप को तरह तरह से दिखाने की कोशिश करती हैं, कई बार आवाज़ों के थ्रू, कई बार विजुअल रूप, कई बार किसी निशानी को छोड़कर। शैडो पर्सन उन तरह की आत्माओं को कहा जाता है जो अपना प्रतिरूप किसी परछाई के रूप में या ब्लैक शैडो के रूप में दिखाती है। अगर आप में हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए। अगर आप में हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए। क्या ये आवाज़ आप किसी दूसरी जगह पे कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले आप हमसे डर नहीं रहे? किसी दूसरी जगह से? ऐसी आवाज़ मैंने गाड़ी में पहले कभी नहीं सुनी है। बेसिकली जब गाड़ी चलकर आती है तो कई गाड़ियों में देखा गया, जब उस तरह गेट गर्म होता है खड़ी करने के बाद ऐसी आवाज़। लेकिन ये गाड़ी गाड़ी ठंडी बंद पड़ी हुई है। हाँ, ये गाड़ी ठंडी है बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि दो दिन से गाड़ी है। Did you hear that? क्या ये आप कर रहे हैं? क्या ये आवाज आप दूसरी जगह कर सकते हैं? मुझे देखना आखिर है क्या? अभी मुझे कुछ नजर से आया, आई एम नॉट श्योर क्या हो सकता है। वो इसे बंद हो गई, बंद हो गई। क्या अपना कोई भी और सबूत दे सकते हैं आप होने का यहाँ पे? कोई रोशनी, कोई परछाई, कोई शैडो, आपके चलने की आवाज, आपके कदमों की आवाज? अगर आप में हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए और मुझे छूने की कोशिश कीजिए। क्या आप उस बत्ती के सामने आए? मैं फिर से आपके पास आ गया हूँ, इस बार आपकी फोटो लेना चाहता हूँ। आप अगर यहाँ पे हैं तो मुझे दिखाइए अपने आप। नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते।
सारी आत्माओं से ये निवेदन करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस आवाज़ को ध्यान से सुने और इस आवाज़ को सुनते हुए रोशनी की तरफ जाए, जहाँ भी आपको प्रकाश दिखे आप उसकी तरफ जाएं। मेरे सामने आइए। अगर आप में हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए। मैंने उस दिन आपको कहा था ना कि मैंने यहाँ पे कुछ देखा है। हाँ। और मैंने आपको बार बार बोला था कि मैंने यहाँ कुछ देखा है। मैं कह रहा था ना कि यहाँ कुछ है। हेलो गाइस, हाय हाय, हाउ यू डूइंग? सो गाइस, कैसी रही आप लोगों की रात? आई होप आप लोग मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और काफी सारे एविडेंस आए होंगे। नहीं सर, एक बार देखिए जो मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मैं रजत से पहले स्टार्ट करूँगा, बताइए क्या। जब आप गाड़ी वाली इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उस वक्त मैंने ये चीज़ नोटिस करी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जब आपने बच्चे को बोला था ना कि आईएस सेंसर ऑन करके दिखाइए। आपको क्या दिखा रहा है? मैं इसमें देख रहा था, मैं इसमें एक चेयर मूवमेंट का भी कैप्चर हुआ है, चेयर मूव किया है सबसे। हाउ अबाउट यू सर? मैंने जितना भी देखा, मैंने ये देखा है कि व्हेन यू वर टेकिंग फोटोग्राफ्स, पहले जब आप लोग अंदर गए जो ईवीपी की साउंड थी, दैट वाज वेरी क्लियर। डू यू रिमेम्बर जब हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमारे सामने जब बैलून हो रहे थे, उसके बाद CCTV पे ये लोग बैठे थे और उन्होंने बोला था कि इनको फर्नीचर मूव होते हुए दिखाएं। आई पर्सनली वेंट टू दैट फुटेज, मैं और आप रात में बैठ के देख रहे थे, उसे एनालाइज कर रहे थे। आपको क्या लगता है वो क्या चीज़? वो मैंने भी देखा था उस फुटेज को, तो पहली नज़र में ये लगा कि वो चेयर है। मुझे भी ये लग रहा था कि हमारा पैर उस पर पड़ा है और उसकी वजह से वो फर्नीचर मूव हुआ है। हालांकि ये बलून्स का हिलना हमारे कमांड पे इज रियली ग्रेट। हाँ, ये बिल्कुल अलग। सो मिस केस मैनेजर, बहुत सारे कंपेलिंग एविडेंस मिले हैं हमें इस केस में। आई एम रियली शॉक, किसी भी जगह पे हमें इतने सारे एविडेंस मिलना बहुत ही रेयर चांस है जब हमें इस टाइप के एविडेंस मिलते हैं। यू नो, क्लास ए EVPs, पिक्चर्स, फुल बॉडी apparition, व्हाट नॉट। आई एम रियली शॉक्ड एंड आई cannot वेट टू रिवील दिस एविडेंस टू द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। वेरी गुड जॉब, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आप लोग पिछले 17 घंटे से बैठ के एविडेंस एनालिसिस कर रहे हैं, and that really shows
that you are such a proud member of our organization. Thank you so much. Thank you so much. I'll see you then. Thank you. Bye-bye. Catch you. Bye. साइंस भी आज इस बात को मानने लगी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आज के रियल दुनिया को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। और रही बात भूत प्रेतों से, हम जहां भी जाते हैं हम सबसे पहले उन चीज़ों के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान अगर हमें कोई भी चीज़ ऐसी मिलती है जिसका वर्णन साइंस में नहीं है या उसे साइंटिफिक लैब में रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है, तो वो हमारे लिए पैरानॉर्मल है, यानी भूतिया है, भूतिया है, भूतिया है। अगर आप में हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए।